आप सबके बहुत ही फेवरेट जनाब अमानत चंद को। सर प्लीज तशरीफ रखिए। और चंद साहब अकेले ही नहीं हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए हमने बुलाया हुआ है एक मॉडल और एक्टर मोहतरमा अनाया मलिक को। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज के दोनों मेहमान ही बहुत ही मोहतबर हैं। सही बात है। तुहानू पिछली बारी भी एतबार नहीं सी आ। सर मैंने तो कोशिश की है, यकीनन आज आप दूल्हा और दुल्हन ही लग रहे हैं। शादियों पे इतनी पाबंदी है, इतनी सख्ती है, दूल्हा और दुल्हन देखें शुरू कहाँ से कर रहे हैं। कुछ चल जाए ये भी अपने पिंड का भी मान लो कोई। आसमां पर है जो चांद उसकी उधारी है चमक। आसमां पर है जो चांद उसकी उधारी है चमक। रात के आने से पहले गोया काला धन है। हाँ मगर दिन के उजाले में भी जो दिखता है, हाँ मगर दिन के उजाले में भी जो दिखता है वो है दुनिया की अमानत। ये अमानत चन है। मेरी नजर के दोस्ती गोरियां नाल नहीं करनी। दोस्ती गोरियां नाल नहीं करनी। वाह जी वाह। दोस्ती गोरियां नाल नहीं करनी, करनी है फिलहाल नहीं करनी। ते दाल दे विच काला हुंदा, काली सारी दाल नहीं करनी। हाय 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 हाय। मेरा चांसा वास्ते शेर जी, जी, जी कैसे रुपया। कदम रखने से हर जर्रा धमक गया है, आपको देखकर अंग अंग खनक गया है। आपके यहाँ आने से ए चांद हमारा मजाक रात चमक गया। चमक गया है। जी क्या बात है चौधरी साहब, सही है कि कोई साजिश हो रही है। मेरे लिए तो कुछ बोले आज तो माशाल्लाह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आए हुए, लेकिन मैं भी हूँ यार। हम आपके लिए तो बोलना, आपने तो चली जाना सी बात, घंटा इतने बोलते रहना जी। शुरू में मुझे खुश कर रहे हैं, सारी बातें आपसे कर रहे हो। जिड्डे सोने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੈਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੈਨੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮੋ ਮੇ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਤੋ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹਿਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੋ ਉੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚ ਨਹਿਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। आपका कहने का मतलब है कि ये ऐसे जो हैं ये आपके हुसन से जलते हैं असल में। और क्या, जेलस हैं ये लोग। तो ये जेलसी आपको हमेशा से सर देखने को मिली? ये खत्म नहीं हो सकती। क्यों? ये जेलसी जो होती है ये जब तक जिंदगी है होती है। नहीं मगर ये खास तौर पे जो आपके ये हुसन की ताब नहीं ला पा रहे, ये क्यों ऐसा है? फिर लोग हंस रहे हैं फिर। आप जवाब दीजिए इसका। यार असल में ना शेर को ना अपनी ताकत का पता नहीं होता। अच्छा, मुझे अपने हुसन की लिमिट का पता नहीं है। जल्दी घर आ जायदाद हिस्से कर लगे। ठीक है तू पक्की लाई जुगत हस रहे लोग, लेकिन वेस्ट इंडीज तो याद है देख लो मेरे महल कोरोना है ही नहीं।
अच्छा चंद साहब, ऐसे आप चिड़ियाघर जाके ना एक दफा कंफर्म करें, उसको शेर नहीं कहते, मेरे ख्याल है चिंपैंजी कहते हैं। चलो कोई हल्का फुल्का चेंज होगा, कोई बात नहीं। अनाया से भी बात करेंगे फिर। अनाया से तो सारी जिंदगी बात करनी है। ये करती क्या पहले बताया ना। अनाया आप बताइए जी, चंद साहब को क्या करती हैं? मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ। ओह गुड, एक्टर हैं जी। एक्टर तो हर फिक्र बोल लेता है। आप कहेंगे मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये एक बड़ा लॉजिकल फिक्रा है। एक अच्छा पॉइंट है कि चंद साहब आपने बताया, मैं सिचुएशन देता हूँ, आपने चंद साहब के साथ इतना एक्सपीरियंस नाम, आपने इनके साथ आपको मौका मिलेगा तो सोचे हम अगर आपने यहाँ पे ये सीन कर लिया तो उसके बाद नुमान एजाज तो क्या ही चीज होंगे। ठीक है, तो आपने चंद साहब के साथ सीन आपको मैं दे रहा हूँ कि ये आपके शौहर हैं। ठीक है, शौहर हैं या अभी मोहब्बत करता हूँ? नहीं नहीं, आप शौहर हो गए हैं, जिम्मेदारी पास थी जी, आपको मैच्योर कैरेक्टर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, बल्कि आप क्या चाहते हैं कि शौहर ना हो, सिर्फ मोहब्बत ही बिछाई? आप जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं वो मुझे जी ठीक है। तो फर्ज करें आप एक कॉलेज में बैठी हुई हैं, ठीक है, और अब आपकी ग्रेजुएशन होगी और तालीम मुकम्मल हो गई है, ठीक है, और ये भी आपके साथ है क्लास में और इनकी भी तालीम मुकम्मल हो गई है, और इनको आज तक ऊंचा बोल भी नहीं रही, आप तो शौहर से लड़ भी नहीं सकती, तो इतने मुश्किल काम में आपने शुरू कर लिया मॉडल और वो। प्यार से बात करूंगी ना। ये देखे ना, प्यार जो ना, प्यार बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे थे? आपको सिचुएशन दे रहा था, चंद साहब ने कुंडे ना प्यार हो गया, उन्होंने ब्लेड ना ना लिखा होगा ना, तो नजर ही ना आवे। क्यों अच्छा सिचुएशन यार, मेरी सुनाने दो ना। चंद साहब तालीम मुकम्मल हो गई है, ग्रेजुएशन कॉलेज का आखिरी दिन है। अच्छा ठीक है, और आपको आज तक इल्म नहीं था कि आपसे मोहब्बत करती है। अच्छा ठीक है, अब आप आखिर में आए हैं और अभी कैंटीन के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और अब आप आके बैठेंगे और आपने इनको बताना है कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी और आपका जिंदगी में आगे क्या प्लान है। तो चंद साहब आइए और आप आके बैठे। अच्छा, इसने बताना है, ये बताएंगे आपको, आपने उसके बाद गुफ्तगू शुरू करनी। देख लें, जब पुलिस आती तो आप जैसे फिर भाग जाते हैं। मोहब्बत करनी होगी परसों, पैसे नहीं, जिस तरह बता रहे लंबी। अच्छा चले ठीक है, कॉलेज की कैंटीन के अंदर अब आके चंद साहब बैठे हैं और आप ऑलरेडी बैठी हुई थी, ठीक है, और अब आपने करना है एक्शन। सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे। कहे ना, मैं काफी देर का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं मतलब मैं 4 साल से वेट कर रही थी इसी दिन का कि आज हम फ्री होंगे और हम मतलब एक किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, तो मैं आपसे ये बात करूंगी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मतलब कोई अपने लोग हैं सर, करते हैं बात। क्या बात, बात क्या है? बस मुझे ये कहना था कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूँ। यानी शादी कर लूं? जी। डैन 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 डैन, ए जंज वापस जाएगी। तो लाने तक हाथ तोड़ के लाएंगे। वजह पहले पहले जवाब तो देना। चौल बड़े महंगे ने। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मुझे आप बहुत पसंद है। ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो कब करेंगे हम शादी? ये प्रोग्राम से फारग हो लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, कोरोना थोड़ा आगे चला जाए। हाँ जी ठीक है, जा रहा है कोरोना, क्यों करो मेरे टिंड भी कोरोने वर्गी हो, कोरोना इंजा आंदा ना जदा ओ गोल गोल घूमदांदा हो। नहीं मगर वैसे चंद साहब, मैं एक चीज देख रहा था, आपने बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है दोनों ने, आपकी जो पैंट्स हैं और उनका जो ड्रेस है, बस यही तो प्यार है। ये देखिए, अचानक बता के तो नहीं पहन के आया ना, ठीक है ना, ये कुदरती होता है अकरम, बिल्कुल तुम हकीकत से बहुत दूर हो। मुझे खुशी हुई कि इस फिक्रे का मजा लिया कर बता के, यानी इसको समझ आता है, शौर है इसको, शौर है। ऐसा कभी एंजॉय हो, तुसी बस से बैठे हो, कंडक्टर ने कहा भाई नवी बस है कि को गंद ना पावे, हो जाता बड़ा मेरे वर्ग के बंदे को किराया लाया के फिर ला देने, चलो तू किराया नहीं देता। अनाया आपको इनसे आगे भी तो पूछे ना, कोई इनसे पूछे कि उनका फ्यूचर में प्लान क्या है, कहाँ रहना चाहेंगे, कैसे क्या काम करना चाहेंगे, ये भी तो पूछे ना उनसे, कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे। जहाँ जाऊँगा गर्मी हो जाएगी। हरी भी जाके देखा आपने? अच्छा यूबिया भी जाके देखा है, जहाँ भी जाऊँगा गर्मी हो जाती है। प्लान तो पूछे उनका, शादी कर रहे हैं कोई पूछे सही, उनका आगे करियर कोई उन्होंने करना है क्या, आप क्या करना चाहती हैं? आप मुझे ये मेरा काम जो एक्टिंग मॉडलिंग है ये मुझे कंटिन्यू करने देंगे? हाँ करें, जब आप कर रही हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और आप? मैं तो मॉडल हूँ ही। 76 मॉडल यार, उनको बता रहा हूँ। ये जब जिन्नों का होता ना हुसन का मुकाबला, फिर मॉडल होता हूँ मैं। क्या
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा लगता है, कौन कैसा दिखता है, मुझे बस यही कहना है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। चांद साहब मुझे एक बात बताएं जी, क्या आप ऐसे ही आप नॉन सीरियस से होते हैं अगर कोई खातून आपसे इजहार मोहब्बत करती है? आपको पता है? नहीं मुझे क्या पता है, तुम पता नहीं तो तुम यहीं इतने बैठे हो। आप घबरा क्यों जाते हैं? घबरा मैं जाता हूँ कि इस लाइफ में और दूसरी लाइफ में बड़ा फर्क होता ना। कौन सी लाइफ में? जो सीरियस लाइफ होती है इंसान की। नहीं तो उसमें क्या है? मतलब अगर वो कह रही है कि आप एक मैं इधर ही हूँ मजाक करा ना, बाहर करें मैं दंग ना तोड़ दूंगा।